नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जनपद में अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के बलिदान दिवस को याद किया गया। विद्यालयों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। हनुमान चौक में स्थित श्रीदेव सुमन जी की मूर्ति पर जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश तेमवाल, वरिष्ठ समाज सेवी नागेंद्र थपलियाल, विष्णुपाल रावत, शैलेन्द्र नोटियाल सभी ने माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम स्कूलों के जो छात्र थे वो प्रभात फेरी निकालते हुए नजर आए। कई कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए गए हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अतिथि देवो भवो की तर्ज पर नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। इस दौरान कांवड़ियों के साथ मिलकर कैबिनेट मंत्री ने बम बम बोले हर हर महादेव के जयकारे लगाए। इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए वीरभद्र महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उन्होंने कांवड़ियों से सरकार के द्वारा की गई तमाम व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में कांवड़ियों ने व्यवस्थाओं को बेहतर होने की जानकारी दी है। इसकी उन्हें खुशी है कि सरकार नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप से संचालित करने में सक्षम साबित हुई। बताया गया कि कांवड़िया नीलकंठ महादेव पैदल मार्ग से होते हुए ऋषिकेश के सुंदर नजारे भी पहाड़ियों से देखे रहे हैं, जिन्हें वो कैमरे में कैद कर अपने साथ ले जा रहे हैं। इससे ऋषिकेश मुनि की रीति और नीलकंठ क्षेत्र की धार्मिक भव्यता की लोकप्रियता दूसरे राज्यों में भी प्रसिद्ध हो जाएगी। उर्गम घाटी जोशीमठ चमोली के भैटा पंचायत के अरोसी गांव के ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कल्पगंगा पर थागल नामक थोक में पैदल पुलिया का निर्माण किया। ये पुलिया कच्ची बल्लियों से तैयार की गई है और उसकी कुछ बल्लियां टूटने लगी थी, तो वहीं ग्रामीणों ने श्रमदान के माध्यम से पुलिया को दोबारा से तैयार किया है, जिससे असौरी ग्वाणा आने वाले लोगों को आसानी हो, क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ पर अस्थायी पुल नहीं है जिससे लोगों को दिक्कतें होती है। यहाँ से पुराना रास्ता था, वहाँ वो भूस्खलन होने से इस्तेमाल में नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कल्पगंगा पर वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्टील गार्डन पुल का निर्माण मोटर रोड के लिए किया जा रहा है। श्रावण मास का पावन माह जारी है, जिसमें हर कोई शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। प्रतिदिन भोले बाबा के अनोखे भक्त शहर से पवित्र गंगा जल लाकर गुजर रहे हैं, और इस बीच एक शिव भक्त कांवड़िया कलयुग का श्रवण कुमार बन अपने बुजुर्ग माता पिता को कांवड़ में बैठाकर श्रावणी पहुंचा। कांवड़िया की माता पिता के प्रति भक्ति को देख लोग उसे नमन करते नजर आए। इस दौरान कलयुग के श्रवण कुमार लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। श्रावस्ती में दो बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बाइकों पर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वो भूतिनाथ मंदिर पर जलाभिषेक करने जा रहे थे श्रद्धालु। घायलों को संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया है। भिंगा कोतवाली अंतर्गत अंतर तिराहे की घटना। एक महिला पिछले एक सप्ताह से बीमार चल रही थी। बीमारी के दौरान महिला प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराई थी। रविवार को महिला एक पूर्व चिकित्सा अधिकारी को दिखाने पहुंची, जहां पर चिकित्सक ने महिला में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण देखने पर इसकी जानकारी सीएमओ को देते हुए महिला को सीएसी भेज दिया, जहाँ पर जिला अस्पताल से आई टीम ने महिला का सैंपल लिया। सैंपल जाँच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजा गया है। फिलहाल महिला को बचाव के साथ रहने के निर्देश दिए गए हैं। बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी की मौजूदगी में अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर अंतुल तेवतिया, क्षेत्रीय विधायकगण संजय शर्मा, देवेंद्र सिंह लोधी, लक्ष्मीराज सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कैंप कार्यालय पर बैठक करते हुए उनके साथ संवाद कायम किया। बुलंदशहर के ग्राम वेरा फिरोजपुर में एक किसान अपने खेत में काम करने के लिए गया, तो अचानक हुई बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। जनपद बुलंदशहर में मानसून अपनी चरम सीमा पर है। बारिश के बीच अचानक बिजली गिरी। अपने परिजनों के साथ खेत में किसान धान लगा रहा था। किसान की मौत से परिजनों में मातम छाया हुआ है।
बुलंदशहर के थाना क्षेत्र खानपुर में स्थित गांव नागौर में सरकारी चौखट से कब्जा हटवाने के दौरान दो पक्षों में जमकर खून संघर्ष हुआ। मारपीट में ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम नागौर तहसील स्याना घायल हो गया। तहसील स्याना में स्थित गांव नागौर में एसडीएम सहित तहसीलदार और राजस्व टीम ने सरकारी चौखट से कब्जा हटवाया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में लाठीडंडे चले हैं जिसमें ग्राम प्रधान सहित तीन लोग घायल हो गए। प्रधान ने झगड़े के दौरान एसडीएम और तहसीलदार सहित राजस्व टीम पर बगाने का आरोप लगाया। ये उसके लिए रास्ता बंद है, उसकी वजह से झगड़ा हुआ है। रास्ता खुलने की वजह से रास्ता दबंग आदमी ने बंद कर रखा। अच्छा, झगड़ा किन किन लोगों में हुआ है? मुन्नीलाल से हुआ, मुन्नीलाल सनोप नत्थी सिंह। झगड़ा क्यों कर रहे थे वो? झगड़ा इसलिए कर रहे थे कि उनके उन्होंने चक्रोड़ जोत रखी है 1962 से। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। डीएम ने भ्रमण के दौरान ग्राम बहलीमपुरा में कांवड़ शिविर में पहुंचकर कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्था और शिविर में उपस्थित कांवड़ियों से संवाद कायम किया। डीएम ने कहा कि सुरक्षित रूप से सड़क किनारे चलकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बुलंदशहर के क्षेत्र खुर्जा नगर कोतवाली में मामूली विवाद को लेकर युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर्स ने तत्काल प्रभाव से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। युवक पर चाकू से हमला करने को लेकर परिजनों ने सभासद के बेटे अयान पर आरोप लगाए हैं। बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह द्वारा थाना समाधान दिवस के मौके पर थाना गुलावटी परिसर में जन समस्याएं सुनी गई हैं। थाना गुलावटी परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। दोनों अधिकारियों द्वारा थाना समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। बुलंदशहर में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान के तहत अरम खान नामक 3 वर्षीय बच्चे को मात्र 1 घंटे के अंदर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया गया। प्रभारी निरीक्षक गुलाबटी फोर्स के कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत क्षेत्र में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु गश्त चेकिंग में पूरी तरह से डूब गए हैं और इसी दौरान मकबरा मस्जिद के पास 3 वर्षीय मासूम जो बच्चा है वो रोता हुआ मिला, जिसके बारे में आसपास जनता के लोगों से पूछताछ करने पर बच्चे के परिजनों की कोई जानकारी नहीं हो पाई, जिसके बाद शिकायत की गई और इस शिकायत के तहत बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला गया है। पीलीभीत में हर साल की तरह इस बार भी लंबे समय बाद सावन मास में लाखों की संख्या में प्राचीन मंदिर गौरी शंकर में भारी संख्या के साथ भक्तगण पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जिले को 13 सेक्टर 9 जोन में बांट दिया है। साथ ही कांवड़ियों के लिए चौकियों पर फर्स्ट एड के साथ साथ जगह जगह पर उनके खाने पीने की बेहतर व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि सावन का दूसरा सोमवार आज है और कल महाशिवरात्रि है, जिसको लेकर शिव भक्त भारी संख्या में यहाँ पहुंचकर प्रसिद्ध मंदिर के जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करने यहाँ पर पहुंचेंगे। इसको लेकर भी पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। तो कथावाचक ने एसएसपी ऑफिस में जाकर न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि मैं एक कथावाचक हूँ, मुझ पर नीतू नाम की महिला पत्नी संतोष निवासी गौरानगर वृंदावन की रहने वाली उनकी बेटी 8 साल की है, जिसने मुझ पर आरोप लगाया है कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की है। तब कि मेरा उसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं आज एसएसपी ऑफिस पर अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए आया हूँ। मुझे अपनी जान माल का खतरा है। किशन शास्त्री शिव जी, कहाँ से आए हैं? मैं गांव से ही का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि ज़िले में एक ऐसा ग्रोह सक्रिय हो रहा है जो प्रतिष्ठित लोगों को निशाना बनाता है और उनके विरुद्ध षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे लिखवाने का दबाव बना करके पैसे मांगे जाते हैं, जिसमें कि मुझे भी फंसाया जाने का प्रयास किया जा रहा है।
कोई महिला है जिसे मैं जानता नहीं हूँ दूर दूर तक, कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा, उसके द्वारा मेरे विरुद्ध 156/3 में अभियोग दिया जा रहा है जो विचाराधीन है अभी कोर्ट में। अगर बात की जाए तो आप किस मठ या मंदिर से हैं? अगर आप, मैं सेही गांव से निवासी हूं, वहां के एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से हूं और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हूं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।